अरवल के लोग अगर सड़क पर उतरे, ये अपने में दर्शाता है कि आक्रोश कितना ज्यादा है मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ। और अरवल में जो घटना घटी वो एक जघन्य अपराध है। माँ बेटी को जिस तरीके से जितनी हत्याएं हुई हैं, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। के लिए अगर आज इतनी बड़ी तादाद में अरवल के लोग अगर सड़क पर उतरे, ये अपने में दर्शाता है कि आक्रोश कितना ज्यादा है मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ। यहाँ पे कोई चुनाव भी नहीं है, पर उसके बावजूद, और मैं चाहूँगा कि आपके कैमरे कैप्चर करें और वो विजुअल्स दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में ये जन सैलाब उतरा है, ये बढ़ते अपराध के खिलाफ, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ। आए दिन बिहार में भाई हत्याएं हो रही हैं, और अरवल में जो घटना घटी वो एक जघन्य अपराध है। माँ बेटी को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया, 5 साल की वो बच्ची ने आज सुबह लड़ते लड़ते अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते इन तमाम अपराधियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन मिलता है इन अपराधियों को। जितनी हत्याएं हुई हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। निश्चित रूप से चिराग, ये पूरे बिहार में अराजकता फैली है, आप प्रतिदिन किसी ना किसी जिले में जघन्य कांड देखा जा रहा है, तो आखिर ऐसे पूरे मामले में सरकार मौन क्यों है? भाई बिल्कुल, इनका संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, मिली भगत है इनकी अपराधियों के साथ। बेगूसराय में आप देख लीजिए किस तरीके से एक दलित महिला को उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। इस तरीके के अपराध जो कि आपकी रूह को कपा दे, ये आपराधिक घटनाओं को बिहार में अपराधी अंजाम देते हैं। और प्रशासन, अरवल वाली घटना में तो प्रशासन की भी मिली भगत है, प्रशासन के लोग खुद उसमें मिले हुए हैं। तो ये सवाल सीधा सरकार पे उठता है, मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके ऊपर उठता है। निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि कल भागलपुर में भी एक जघन्य घटना घटी है, एक महिला को 3 टुकड़ी काट दिया गया है बीच सड़क पे, जबकि उसके परिवार के द्वारा लगातार पुलिस से गुहार लगाई गई थी सुरक्षा की, बावजूद उसकी फोन को नहीं उठाया जाता है और अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पे उसे काट दिया जाता है। अब बताइए, अब ये कोई सामान्य हत्या है? मतलब अपराधियों की मानसिकता कितनी हैवानियत से भरी हो गई है कि इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके, जिस तरीके से माँ को बेटी के सामने जला के मार दिया गया, बेटी को जला के मार दिया गया, जिस तरीके से बेगूसराय में हुआ, भागलपुर में हुआ, ये तमाम घटनाएं भाई अपने में दर्शाती हैं कि अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है, खौफ बचा नहीं है, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई किसी पे करती नहीं, कोई अपराधी गिरफ्तार होता नहीं, इसीलिए अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से आज आप पैदल मार्च कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे और आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी इसमें पूरे अपराध जगत को देखते हुए? भाई सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे, और साथ ही में यह आक्रोश ये बिहार बचाओ पदयात्रा अपने में द्योतक है बदलाव की। अगर हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, आप अगर हमें न्याय नहीं देंगे, तो बिहार की जनता अब सड़क पर उतर गई है। और जब जनता आती है तो बड़े बड़े सिंहासन डोलते हैं, बड़ों बड़े शासकों का अहंकार टूटा है, तो मुख्यमंत्री जी का अहंकार तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तो निश्चित रूप से बिहार में अपराध के खिलाफ जिस तरह से ये जनसैलाब उभरा है और उसका नेतृत्व LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जन आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आज सरकार के खिलाफ पूरे जन में, पूरे अरवल जिला में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये आक्रोश कोई छोटा मोटा आक्रोश नहीं है, यहाँ पे जैसे मानो जलाइसा लग रहा है कि पूरे अरवल जिला के एक एक वासी इस मार्च में शामिल हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उस अपराध में शामिल सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IVTV अरवल। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।